नमस्कार, मैं हूं निवेदिता। भारतीय टीम में धोनी के उत्तराधिकारी माने जाने वाले ऋषभ पंत को एक के बाद एक मौके दिए जा रहे हैं, लेकिन पंत लगातार भारतीय टीम को निराश करते जा रहे हैं, जिसके चलते वो लगातार आलोचकों के निशाने पर रहते हैं। वहीं भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मुख्य टेस्ट सीरीज से पहले पिंक बॉल प्रैक्टिस टेस्ट मैच में ऋषभ पंत ने आलोचकों को एक बार फिर बोलने का मौका दे दिया। दरअसल ऋषभ पंत इस प्रैक्टिस मैच में भी अपने बल्ले से कमाल दिखाने में नाकामयाब साबित हुए। ऋषभ पंत पहले से ही सफेद गेंद की सीरीज से बाहर रहे थे। वहीं पंत ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ पहले प्रैक्टिस मैच में भी बेंच पर बैठे थे, लेकिन जब दूसरे टेस्ट मैच में उन्हें मौका दिया गया तो वो सिर्फ 5 रन ही बना सके, जिसके बाद पंत को सोशल मीडिया पर भी जमकर ट्रोल किया जा रहा है। इससे पहले कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हाल ही में कहा था कि पंत ऑस्ट्रेलिया सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर गए हैं। आपको बता दें कि पंत को 17 दिसंबर से एडिलेड में शुरू हो रही बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से पहले दूसरे प्रैक्टिस मैच में मौका दिया गया था, लेकिन वो इसे भुनाने में बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए। पंत ने 11 गेंदों का सामना किया और सिर्फ 5 रन ही बना पाए। युवा विकेटकीपर बल्लेबाज के पास प्रैक्टिस मैच में शानदार परफॉर्म करके टेस्ट सीरीज में अपनी जगह पक्की करने का मौका था, लेकिन उन्होंने इस मौके को गवा दिया। पंत को इस मैच में उन्हें अपने सीनियर रिद्धिमान साहा के साथ मौका मिला, जिन्होंने पहले अभ्यास मैच में अपनी टीम को हार के मुंह से वापस लाने में अपना सर्वश्रेष्ठ दिया था। वहीं ऋषभ पंत का इंडियन प्रीमियर लीग के 13वें सीजन में भी प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। पंत ने 14 मैचों में 31.18 की औसत से 343 रन बनाए और उनका स्ट्राइक रेट सिर्फ 113.95 रहा। अगर पंत के प्रदर्शन में जल्द ही सुधार नहीं हुआ तो भारतीय टीम उन्हें लंबे समय के लिए बाहर का रास्ता दिखा सकती है।